सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मी प्रज्ञा। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ग्रिड मेथड से हम लोग कैसे ड्राइंग करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो भी आप ड्राइंग करोगे एग्जैक्ट साइज आप लोग बना सकते हो कोई भी पेपर पर, एंड आप लोग बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा वो मैथड। सो लेट्स गो। सो पहले हम लोग अपना ग्रिड ऐप डाउनलोड कर लेंगे। सो बेसिकली ड्राइंग के लिए ही ऐप है। एंड देन फोल्डर में हम लोग को जो भी आप लोग को ड्राइंग बनाना है वो फ़ोटो लेकर आपको अच्छे तरीके से क्रॉप कर लेना है। सो क्रॉप हो चुका है। अब आप ग्रिड की कोई भी साइज ले सकते हैं, जैसे आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी साइज़ चाहिए। एंड देन उसी मेजरमेंट से मैं 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ मेजरमेंट। एंड देन हम लोग मेजर कर अच्छे से लाइन बना लेंगे। लेंथ एंड ब्रेथ में हम लोग बस मेजरमेंट लेंगे, 4 साइड्स नहीं लेना है। एंड अच्छी तरीके से लाइनिंग करने के बाद हम लोग ड्राइंग करेंगे। सो ड्राइंग के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि किस लाइन में वो आँख जा रही है, किस लाइन में वो नोज़ जा रही है। सो उसी हिसाब से हम लोग ड्राइंग भी बनाना शुरू करते हैं। जो आई जा रहा है वो 9 लाइन पर जा रहा है। सो मैं उधर ही आँख बनाऊंगी। अब जब आउटलाइन करोगे तो बहुत ज़्यादा लाइट करना है आपको, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। ये हम लोग शेडिंग करेंगे तो मतलब वो अच्छी तरीके से डार्क हो जाता है। सो जो आप लोग लाइनिंग बनाओगे बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर डार्क इसलिए क्यों, क्योंकि आपको दिख सके। पर हल्का हल्का शेडिंग भी कर रही हूँ सो डैट आप लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ पर आपको डार्क शेड ही करना है। सो अब आप लोगों को शेडिंग करना शुरू करना है। सो फर्स्टली आप लोगों को आई पर ही ध्यान देना है। सो पहले आप लोगों को पहले आई पर ही ध्यान देना है। तो जब आई की डिटेलिंग्स हो जाएंगी तब हम लोग फेस पर शेडिंग करेंगे। एंड देन वो लास्ट में आई हेयर का करेंगे। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग स्टेम का। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टेम नहीं है सो फिर भी आप शेडिंग आराम से कर सकते हो ईयरबड से। एंड अगर आपके पास मतलब मेकअप ब्रश होगा सो आप उससे भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होता है। एंड अगर आपके आपको अगर स्मूदी शेड चाहिए सो आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लेंडिंग स्टैम्प ही यूज़ करें। जहाँ पर भी आपको ज़्यादा अगर आपको मतलब शेड लग रहा है कि हाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है सो वहाँ पर आप 10B या फिर अगर आपके पास 10B नहीं है सो आप 8B भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर 8B ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास उस टाइम फाइबर कैस्टल का ही है। सो डैट्स व्हाई। सो आपको शेडिंग करने से पहले आप जो ग्रिड बनाए थे उसको मिटा लेना है, देन उसी के बाद शेडिंग करना है। अगर आप लोग मतलब उसी पर अगर शेडिंग करोगे तो आपका जो लाइन लाइन आप बनाए थे वो दिखेगा।
now it is completed. So that's for today, guys. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And see you later. Okay, bye-bye.